ड्रग है जो मैक्सिमम कोकेन एक सिंगल गो में रिकवर हो चुकी है वो 3 kg है। और हमने एक ही गैंग में जिसमें ये 6 मेम्बरान हमने आज अरेस्ट किए हैं जो नारकोटिक्स ड्रग डीलर्स थे और स्मगलर्स थे और सप्लायर्स थे, इनसे हमने 4.5 kg कोकेन रिकवर किया है, इन एडिशन टू 7 kg हीरोइन और 35,000 जो पिल्स हैं, जो डिफरेंट किस्म की जो नार्को पिल्स हैं वो रिकवर किए हैं। और इसकी कुल मालियत 15 करोड़ के करीब बनती है जो कि हम नारकोटिक्स एक ही गैंग से हमने रिकवर की है। और इंटरेस्टिंगली इसके जो 6 मेंबर्स हैं गैंग के, उसमें कमर इटालियन नेशनल है और उसके बाद इरफान जो है ये स्पेनिश नेशनल है और इमाद बट उर्फ स्पीडी जो है ये स्पीडी ड्रग के नाम से जाना जाता था, ये यूके नेशनैलिटी होल्डर है। इसके अलावा 3 और हैं, रिजवान मलिक अवैस और फहीम रजाक, इसे हमने अरेस्ट किया। और ये ड्रग्स जो हैं ये डिफरेंट किस्म की एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी सप्लाई कर रहे थे, उसके अलावा ये जो पार्टीज़ होती हैं रैविशिंग पार्टीज़ उनमें भी ये यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो कोई और जो डोमेस्टिक यूज़र्स हैं जो ये आगे छोटे पेडलर्स हैं या सप्लायर्स हैं उनको भी ये बेचते थे। और ये एक किस्म का बड़ा माफिया था जो ये काम करता, जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो पंजाब की तारीख में जो पर्चा दिया गया है वो 3 kg कोकेन का है एंड इट्स प्योर कोकेन 4.5 kg। और इसको आप ये कैटामाइन के साथ मिक्स करके अगर इसको ये जैसे मार्केट में सेल करते हैं तो इट इज़ वर्थ 25 करोड़, लेकिन इस प्योर फॉर्म में ये को 15 करोड़ के करीब मालियत बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मेजर कामयाबी है क्योंकि ये कोकेन जो है ये एक इम्पोर्टेड ड्रग है और जिस तरह से ये समुद्री रास्ते से और जो जो चेन यूज़ कर रहे हैं उस चेन पे भी हम काम कर रहे हैं, उस चेन के अंदर जो मज़ीद प्लेयर्स आएंगे उन पे भी काम करेंगे। ये 3 जो है मैंने जैसे बताया ये डुअल नेशनल है जिसमें इटालियन भी है, स्पेनिश और यूके नेशनल भी है। ये हाई एंड किस्म के ये ड्रग सिंडिकेट था जिसको जो हमारे फुरकान साहब हैं SP OCU नॉर्थ और राणा अकरम और मोहम्मद अली भट्ट और इनकी टीम ने ये इसको ट्रेस किया और हैट्स ऑफ टू द टीम, इनके लिए हम कैश अवार्ड्स भी देंगे और इनको अप्रिशिएट भी करेंगे, CC1 भी देंगे। इस नेटवर्क के बाद हम मज़ीद जो है इसकी जो चेन्स मैंने आपको बताया जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक चेन है उस पर हम काम कर रहे हैं, हम आपको जैसे इन्वेस्टिगेशंस अनफोल्ड होंगी हम मज़ीद तफसीलात भी शेयर करेंगे। लेकिन एक मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू OCU की तरफ से और लाहौर पुलिस की तरफ से हम देना चाहते हैं कि ये बिल्कुल हम एक नॉन स्पेयरिंग बैटल और वॉर हम कर रहे हैं अगेंस्ट नारकोटिक्स। इसमें हमारी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी हम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा कि हमने माजी में अपने इदारे के अंदर भी अगर कोई लोग थे इस तरह के या कम्प्लिसिटी उनकी थी तो उनके ख़िलाफ़ भी हमने प्रोसीड किया। और अब भी हमारे OCU साउथ ने 3 जो है जो हमारे अपने समझ लें कि पुलिस डिपार्टमेंट के कांस्टेबल या किसी और रैंक पे भी जो सब इंस्पेक्टर थे और एक SHO थे उनके ख़िलाफ़ भी हमने प्रोसीड किया। तो ये हम एक बैटल ना सिर्फ कर रहे हैं नारकोटिक्स पेडलर्स के ख़िलाफ़ सप्लायर्स के ख़िलाफ़, बल्कि कोई भी अगर शख्स किसी गवर्नमेंट के इदारे में इनका साथ दे रहा है तो वो ये सुन ले, इंशाल्लाह ताला हम स्पेयर नहीं करेंगे और हम इंशाल्लाह ताला विल कम आफ्टर यू और हम इसको ड्रग फ्री सोसाइटी बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा सर, आपने 3 फॉरनर्स के नाम लिए हैं तो उसके लिए डायरेक्ट उनको पकड़ने के लिए तो मुतलका उनकी कंट्री है वहाँ से गवर्नमेंट एक्शन पुलिस से भी चाहिए होती है, वहाँ से गवर्नमेंट से भी चाहिए होती है, क्या आपने रहा था कि वहाँ की पुलिस को ये लोग रुके पहले जिस तरह ये इनमें से एक जो है वो वहाँ पे भी ये जेल में रह चुका हुआ है और वो भी वहाँ का रिकॉर्ड होल्डर भी है क्योंकि इंटरनल उनकी एक्टिविटी यूरोप के अंदर भी थी। ये जैसे मैंने बताया कि ये डुअल नेशनल हैं, पाकिस्तानी कार्ड भी होल्ड कर रहे हैं और यूके की और स्पेनिश और इटालियन नेशनैलिटी भी होल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए फिर हमें डोमेस्टिक लॉ हमारा इन पर अप्लाई करता है, हम इनके खिलाफ़ प्रोसीड। ये वहाँ से वहाँ पे करते थे या
बोथ बाहर से भी आ रही हैं और यहाँ डोमेस्टिक भी इनकी सप्लाई चेन है, बाहर से भी आ रही है। इमरान किशोर साहब, मेरा सवाल ये है कि ड्रोन के जरिए जो मैंने बताया ये कॉन्स्टेंट वॉर है, कोई भी स्पेयर हम नहीं करेंगे, ये चाहे क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग में आ रहे हों या ड्रोन के जरिए स्मगलिंग कर रहे हों, हम उनकी लिस्टिंग हमारे पास मौजूद है, उनकी इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस हमें जहाँ पे मिलती है, देखें हमारे पास लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं OCU के, हम उसके अंदर रह के डिफरेंट टास्क अचीव करते हैं, तो हमारे उन्हीं रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं डिफरेंट जगहों पे, तो कोई भी ऐसा जो हमारे नॉलेज में है ये बात, और हम उन गैंग्स पे भी काम कर रहे हैं और उनको भी वर्स्ट करेंगे। सर, जो 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 मज़र था, मज़र डिसमिस हो चुका हुआ है इंस्पेक्टर, और ये ANF के ने जो FIR दर्ज की है उसमें ये इश्तहारी भी हो चुका हुआ है, तो ANF भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, हम भी इंशाल्लाह इसको जल्द, हम भी अब बड़े नियर मिस हुए एक दो जगहों पे इंशाल्लाह, लेकिन हम उसको हम ANF को पकड़ के देंगे, ऑल दो वो ANF का इश्तहारी है, हमने अपने डिसमिस कर दिया हुआ अपने महकमे से, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह अरेस्ट करेंगे। आपने बताया कि गूगल नेशनल से सामान पकड़े गए, पाकिस्तान की सियासत में भी देखें जितना ऐसा डायरेक्ट कोई कनेक्शन तो नहीं मिला, लेकिन अगर ये एक प्रवेसिव चीज़ आ रही है बाहर से, अगर आ रही है, हम पे ये इल्ज़ाम लगता था कि ड्रग्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान से या हमारे नॉर्दर्न एरिया से या हमारे KP से बन रही हैं और फिर दुनिया में सप्लाई हो रही हैं, बट इट इज़ द अदर वे राउंड ऑल्सो, कि बाहर से जो हाई एंड प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बन रही हैं और महंगी प्रोडक्ट्स बन रही हैं ड्रग्स की, वो पाकिस्तान में आ रही हैं, तो ये जो ईज़िली वेस्ट इस बात पे रिलाई करते हैं ना कि जी ये यहाँ से मनशियात जो है ये एक ड्रग कॉर्नर है या सर्कल है, वो एक गलत बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि नाइजेरियंस जो हमने जब पकड़े तो वो भी बाहर से मनशियात आ रही थी, इसी तरह जॉर्डन का जब हमने गैंग पकड़ा वो भी बाहर से मनशियात लेके आ रहे थे, और ये वाला जो हमने गैंग पकड़ा है जिसमें हाई एंड मनशियात है ये भी बाहर से आ रही थी, तो बाहर के कनेक्शंस भी हैं और इंटरनल भी हैं, और बाहर के मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अच्छा सर, ये बताइए था पॉइंट ये है कि रोकने के लिए CIA या दूसरी ANF क्या इकदामात कर रही है, असल में रोकना इसको पकड़ना कैसे और इनको सजा दिलवाने के लिए CIA क्या इकदामात कर रही है? एक तो हम बेस्ट पॉसिबल प्रोसिक्यूशन के जो केसेस होते हैं हम वो उसमें बनाते हैं, जो डिटेक्शन है इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन, और डिटेक्शन जब भी हम करेंगे हम अपने गैंग्स की उससे ही फ़र्क पड़ता है, और गैंग्स का डिटेक्शन का एक तरीकाकार ये होता है कि आप उस सप्लाई चेन में किसी को छोड़ें नहीं, अगर कोई भी उसमें प्लेयर्स आ रहे हैं जो क्रिमिनल एक माफिया के साथ इन्वॉल्व हैं तो तमाम को हम चेन को तोड़ें, तो जब तक चेन्स पूरी नहीं टूटती तो उस वक्त तक आप समझ लें कि इसका कोई असर नहीं होता। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है कन्विक्शन और सज़ाएं होना, कोर्ट के अंदर से अंदर जो है वो हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं, जिसका ये है कि अभी तक जो डोमेस्टिक जितने भी हमने चलान किए हैं तमाम सेशन कोर्ट से उनकी जमानतें खारिज हो चुकी हैं और हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी हैं, तो इसलिए हम उसको भी फॉलो कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको सजाएं मिले प्रॉपर। अच्छा सर, ये बताइएगा, इमरान साहब, ये अक्सर हमने देखा है कि जामियात के इर्द गिर्द या जामियात के अंदर जो मनशियात फरोश पकड़े जाते हैं या उनसे जो मनशियात लोग रिकवर करते हैं, मनशियात भी रिकवर हो जाती है, बंदे भी पकड़े जाते हैं, लेकिन ये बगैर सुलहकारी के काम तो हो नहीं सकता, क्या उनके सुलहकार भी पकड़े जाते हैं या फिर इसके ऊपर भी काम हो रहा है? मैंने बता दिया, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी साथ एट द सेम टाइम हम वो कर रहे हैं,
और जो भी चेन में आए, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो गवर्नमेंट का किसी और महकमे का मुलाजम हो, जो भी होगा, हम उसको ज़रूर अनमास्क करेंगे और उनको बताएं। बता दें, जिस तरह आपने फरमाया कि बिरूने मुल्क से आ रही है, तो कौन से एयरपोर्ट से लेके भाई आराम से आ गए? ये पोर्ट्स सी की भी यूज़ करते हैं, जो हमारी थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होती है, कराची में पोर्ट पे आते हैं और फिर वहाँ से आते हैं। बाई एयर कोई नहीं है? बाई एयर भी यूज़ करते रहे, जैसे मैंने जॉर्डन मुल्तान का हमने एक किया था, मुल्तान एयरपोर्ट यूज़ हो रहा था, और उसमें भी हमने जो उनका एक हमारा वो इश्तिहारी है, वो कस्टम के थे, वो ऑफिशियल वो भागे हुए हैं, हम उनके पीछे भी हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी यानी कि हमारे यूज़ हुए हैं, और हमारे डोमेस्टिक पोर्ट्स जो वाटर पोर्ट्स हैं वो भी यूज़ हुए हैं। अच्छा सर, इनको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया है या कहाँ से किया गया है? आपने बताया कि तीन डोमेस्टिक अफराद में इसमें शामिल हैं, क्या वो रिकॉर्ड जानता है? डिफरेंट जगहों से हमने गिरफ़्तार किया है, क्योंकि ये भागे हैं और हमने मुख्तलिफ शहरों से भी इनको जाके पकड़ा है, क्योंकि ये लाहौर में ऑपरेट कर रहे थे और हमारे मुलज़िम थे, तो हमने उनको डिफरेंट जगहों से। मेरी तरफ से भी आखिरी सवाल है कि साहब भी मौजूद हैं, एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल है जाहिद, उसके बेटे को मुबैना पुलिस के मुकाबले में जो है लाफे उसका नाम है, उसको मार दिया गया है, तो वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे जी, वो मैंने भी देखी है एक एप्लीकेशन कर रहा है, तो आप इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देंगे कि ये मामला क्या है? क्या वाकई पुलिस रिटायर पुलिस अफसरान के बच्चे जो है वो इस तरह के कामों में, डकैतियों में, कतलों में मुलविस होते हैं, या उसके साथ वाकई नाइंसाफी? जो अब्दुल राफे है उसका एक बहुत लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एक्सट्रॉशन का, भत्तों का, इवन आप उसकी वीडियोस जो सर्कुलेट कर रही हैं आप वो देखें, जिसमें हमारे पुलिस ऑफिसर्स को और उनकी फैमिलीज़ को जिस तरह से वो थ्रेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो बिजनेसेस करने वाले शरीफ लोग हैं उनसे जिस तरह से वो भत्ता ले रहे हैं, और जिस तरह से उसका 324 का हायर्ड किलिंग का रिकॉर्ड है और बेशुमार डकैतियों का रिकॉर्ड है, उस लिहाज से आप उसका देखें कि एक बड़ा डेस्परेट क्रिमिनल था, जो कि आपके सामने हमने वो अपने अंजाम को पहुंचा, तो इसमें हमने पूरा देख रहे हैं, और हम अब अगर चाहे वो पुलिस ऑफिसर का बेटा है तो उसमें हमने इस बात को थोड़ी हमने कंसिडर करना है कि पुलिस ऑफिसर के बेटे को इजाज़त है तो वो इस तरह के काम करते रहे। थैंक यू। हाँ वो बुलवा नहीं।